राजधानी बगदाद के एक व्यस्त बाजार में इस्लामिक स्टेट के एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोट कर दिया, जिसमें कम से कम 91 लोगों की मौत हो गई। राजधानी में ये इस साल का सबसे बड़ा हमला है। अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट कर्रादा इलाके में हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोग पवित्र रमजान महीने के बाद पड़ने वाले अवकाश के मद्देनजर खरीदारी करने गए हुए थे। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में 200 लोग घायल भी हुए हैं।